छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कुनबा बिखरना शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कोमल होपेंडी समेत कई प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमल होपेंडी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने प्रदेश अध्यक्ष कमल होपेंडी से खास बातचीत की। देश में एक अलग तरह की राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में एक तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और इन समय में ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसको लेकर सीधा चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कोमल होपेंडी जी है, क्या प्रमुख वजह रही जिसके कारण इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए, हम लोग आम लोग हैं और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ लेके हम राजनीति में आए। मैं तो इसके पहले सरकारी सेवा में था, उसको छोड़ के छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकूँ, ये मेरा राजनीति में आने का मकसद था। और इसलिए आम आदमी पार्टी प्रवेश किया और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियाँ भी दी, कोशिश किया कि बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन अभी विगत चुनाव में आपने देखा होगा, हम जगह जगह दावा करते थे कि 90 सीटों में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जनता का अपार स्नेह भी मिला था। लेकिन इन वक्त में इंडिया गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ी। जिसका परिणाम ये हुआ कि विगत चुनाव के से अभी का चुनाव का हम कंपेयर करें तो वोट शेयर आज और भी कम हो गया। तो इसकी वजह इंडिया गठबंधन को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से पार्टी ज्यादा ताकत से यहाँ चुनाव? निश्चित रूप से। और हम तो किसी राजनीति करने हम आए नहीं है, छत्तीसगढ़ लोगों के लिए काम करने आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में चाहे जो भी निर्णय लेना पड़े, चाहे इस्तीफा देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम जिएंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जिएंगे, मरेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मरेंगे, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बन के आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लगातार अगला कदम क्या होगा आपका, भाजपा की तरफ रुख करेंगे या कांग्रेस की तरफ? जैसे कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा में आप लोग शामिल हो सकते हैं। कयास तो कुछ भी लगाया जा सकते हैं, लेकिन हमारे सारे पदाधिकारी सब मिलकर तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और बहुत जल्द वो भी निर्णय आपके सामने होगा। बिल्कुल, तो ये थे कोमल होपेंडी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो परिणाम आए विधानसभा चुनाव के दरमियान, खास करके इंडिया गठबंधन के साथ जो समझौता हुआ आम आदमी पार्टी का, उसका कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ। इसकी वजह से ही, इसको ही एक बड़ी वजह मानते हुए इन्होंने तमाम जो पदाधिकारी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा इनका अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है छत्तीसगढ़ में वो अंधकार में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।